जय श्री राम दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एक्सप्लोर विद बजरंगी में। आज मैं आपको लेकर चल रहा हूँ भगवान श्री रामचंद्र जी की जन्मस्थली अयोध्या में। आज छोटी दीपावली का दिन है और आप सबको पता है कि जब से उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार आई है तब से अयोध्या को हर छोटी दीपावली पर दुल्हन की भांति दियों से सजाया जाता है। तो आज हम भी चलेंगे अयोध्या के दीपोत्सव में भाग लेने, भगवान श्री राम के अयोध्या आगमन की खुशियां जन जन में देखने और आप सभी को भी अयोध्या की पावन भूमि के दर्शन कराएंगे। मार्ग अयोध्या का हो और मार्ग में श्री राम नाम के नारे न लगे तो क्या खाक अयोध्या यात्रा पर जाएंगे। इसीलिए मन प्रसन्न होकर बार बार प्रभु के नाम का उच्चारण करवा ही देता है। हाँ भैया, जय श्री राम, जय जय। तो भाइयों, इस समय हम लोग आ गए हैं अपने लखनऊ से अयोध्या हाईवे पर और यहाँ से हम लोग लखनऊ से अयोध्या के लिए कम से कम 125 किलोमीटर का रास्ता था जिसमें से हम लोगों ने 60 किलोमीटर पार कर लिए हैं और अब लगभग 65 किलोमीटर का रास्ता बचा हुआ है। तो अभी सब चल रहे हैं और यहाँ पे देखिए सब लोग बैठे हुए हैं। हाँ भैया, जय श्री राम, जय श्री राम। सब लोग एक बार जय श्री राम। पीछे कोई और भी बैठे हैं क्या? लेकिन एक सेकंड। मंदिर के पीछे आ रहे हैं ना हम लोग? ये वो रेखा जो बना रहे हैं तो कोई यात्रा नहीं होती है। हाँ, वो मंदिर, राम मंदिर। वो देखो, मेरे श्री राम का मंदिर बन रहा है। जय सबको। दिखाइए सरयू। सरयू घाट पर पहुंचकर इन बाबा जी को देखा तो यहीं तट पर श्री रामचरितमानस जी का वो पाठ कर रहे थे। यह दृश्य देखकर ही मन में अयोध्या की सकारात्मक ऊर्जा का आभास होने लग गया था। आइए अब हम भी चलते हैं अयोध्या की पावन मिट्टी और सरयू के पवित्र जल से स्नान करने। तो भाइयों, इस समय अभी हम लोगों ने सरयू घाट में स्नान करा और उसके बाद अब हम लोग निकल रहे हैं हनुमानगढ़ी की तरफ, क्योंकि सबसे पहले जो कि कहा जाता है कि अयोध्या में अगर हम लोग आए हैं तो राम जन्मभूमि से पहले हम लोगों को हनुमानगढ़ी जी के दर्शन करने होते हैं। तो इसी प्रोग्रेस में हम लोग अभी इस कच्चे रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं और बाकी देखते हैं पहले प्रभु जी का काम हो। जय हो माता। आप लोगों ने बनारस की गलियों के बारे में तो बहुत सुना होगा, ये है अयोध्या की गली। तो अभी हम लोग पहुंच रहे हैं हनुमानगढ़ी की तरफ, जो कि आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए, ये चौराहा है और यहीं से ये दो रोड लगती हैं।
आगे वाली रोड हम लोगों को सीधे हनुमानगढ़ी की ओर लेकर जाएगी। और वो देखिए हनुमानगढ़ी। तो अब बारी थी संकट मोचन बजरंग बली जी की हनुमानगढ़ी के दर्शन करने की। मंदिर में पहुंचा तो यहां पर श्रद्धालुओं की बहुत भीड़ थी। इसके दो कारण थे, एक तो आज छोटी दीपावली थी और ऊपर से हनुमान जन्मोत्सव भी आज ही था, इसलिए इतनी भीड़ तो स्वाभाविक सी थी। लेकिन फिर भी हमारे प्यारे बजरंग बली के दर्शन हमें अच्छे से हो गए। लीजिए आप सब भी दर्शन करिए। मंदिर के परिसर में चलने पर दीवारों में ये सुंदर चालीसा लेख भी लिखे गए हैं और मंदिर की सजावट भी देखने योग्य थी। मंदिर को पूर्ण रूप से लाइट्स और फूलों से सजाया गया था, जिससे मंदिर और भी आकर्षक लग रहा था। चलिए अब पूरे मंदिर के दर्शन हो ही गए हैं तो थोड़ा समय अपने बजरंग बली जी के साथ भी तो गुजारें। वैसे हनुमानगढ़ी के मंदिर और यहाँ की सजावट तथा भक्तों की भीड़ आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब समय हो गया था हनुमानगढ़ी से बजरंग बली जी का आशीर्वाद लेकर प्रस्थान करने का, और मुझे पता भी नहीं था हमारी यूपी पुलिस भी कैमरे को नोटिस कर रही थी। वैसे इनको भी हृदय से धन्यवाद है जो हमारे मंदिर और धरोहरों की सुरक्षा हेतु यहाँ पर हमेशा खड़े रहते हैं। हनुमानगढ़ी से बाहर निकलते ही बगल में हमको त्रिपदा प्रसाद जी की मिष्ठान की दुकान मिल जाती है, जहाँ पर हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में मालपुए और इमरती रात में भी बन रही थी। बस फिर क्या था, हमने भी इमरती का स्वाद लिया और क्या ही मस्त स्वाद था, मज़ा आ गया। तो अभी यहाँ पे हम लोगों को हनुमानगढ़ी के दर्शन हो गए बहुत अच्छे से। अब हनुमानगढ़ी के बाद हम लोग आए हैं दशरथ महल। फ़िलहाल अभी यहाँ पर काम चल रहा है, प्रोग्रेस में है, लेकिन इस समय सबसे बढ़िया बात होती है कि छोटी दिवाली में हम लोगों को दिए बहुत अच्छे से देखने को मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं दशरथ जी का महल किस प्रकार से सजा हुआ है। दशरथ महल के अंदर गए तो देखिए महल के बाहर का आंगन कैसे दीपों से सजाया गया है। रात्रि के अंधकार में मानो ये नन्हे नन्हे दीपक मिलकर सूर्य की भांति प्रकाश देने का प्रयत्न करते हैं, यही तो इनकी सुंदरता है। लीजिए अब हम आ गए दशरथ महल की चौखट पर। यहाँ भी दीयों से कई सजावटें की गई हैं, आइए आपको दिखाते हैं। अब आ गया दशरथ महल। वास्तव में जब आप यहाँ पर आएंगे तब आप भी इसकी सुंदरता की प्रशंसा करते नहीं थकेंगे। न जाने कितने वर्ष, अरे वर्ष छोड़िए, कितने युग बीत गए, जब अभी इतना सुंदर है तो जब महाराज दशरथ चक्रवर्ती सम्राट रहे होंगे तब क्या ही भव्यता और सुंदरता रही होगी इस अयोध्या नगरी के दशरथ महल की, तनिक सोचिए। और अब करिए दशरथ महल के श्री राम और माता जानकी जी के सहित रामलला और चारों भैयाओं के दर्शन। अब समय हो गया था दशरथ महल से प्रस्थान करने का, लेकिन यहाँ की इस सुंदरता को मेरा मन सदैव संभाल कर रखेगा। अब बारी थी अयोध्या के दीपोत्सव में भाग लेने की, जिसके लिए इस छोटी दीपावली पर लाखों लोग अयोध्या आते हैं और अपने श्री राम जी के वनवास समाप्त होने की प्रसन्नता में दिए जलाते हैं, आकाश को भी प्रकाश से सराबोर करते हैं।
वास्तव में आप स्वयं देखिए इस समय अयोध्या नगरी कितनी सुंदर लग रही है। जब ऐसे दृश्य मैं देखता हूँ तब लगता है ये सभी जन जो यहाँ पर आज के दिन पधारे हैं ये मेरे श्री रामचंद्र जी के आगमन के लिए कितने खुश हैं, और इस कलयुग में भी त्रेता युग का आभास अपने आप होने लगता है। आखिरकार अब एक और भी बड़ी प्रसन्नता का समाचार शीघ्र ही सुनने को मिलेगा जब श्री राम मंदिर में हमारे रामलला अगले साल जनवरी में विराजेंगे। वो दिन होगा जब हमारे श्री राम का एक और वनवास पूर्ण होगा। वो क्षण भी अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक होगा। जब बाबर ने मीर बांकी को अयोध्या राम मंदिर का विध्वंस करने भेजा तब मंदिर के ब्राह्मण और समस्त अयोध्यावासी उसके विरोध में खड़े हुए, लेकिन उन निहत्थे हिंदुओं की बड़ी ही बर्बरतापूर्ण रूप से मुगलों ने हिंसा की। उसके बाद भी कई वर्षों तक अनवरत हिंदुओं ने अपने प्राणों का बलिदान दिया, वीरता पूर्वक अधर्म की नींव पर बनी बाबरी का विध्वंस किया। ये कहना गलत नहीं होगा कि उस समय पर उपस्थित एक एक राम भक्त में श्री हनुमान जी ने ही वास करके लंका रूपी बाबरी को विध्वंस किया। जिन्होंने अपने प्राणों को राम जन्मभूमि के लिए न्यौछावर कर दिया उन सभी भक्तों को मेरा बारंबार प्रणाम है, और ये समस्त पीढ़ी आपकी सदैव ऋणी रहेगी। जय जय श्री राम। अयोध्या में ये भी मिल गए हैं, इनका नाम है अपूर्व, इनको तो जानते ही हैं। ये चमन चमन। आज के दिन अयोध्या की ये चहल पहल और लोगों की आवाजाही ने साबित कर दिया कि हमारी सरकार ने अयोध्या को पुनः से उसका गौरव लौटाया है। अब सब लोगों की रुचि अयोध्या, मथुरा और काशी जैसे तीर्थ स्थानों से जुड़ने लगी है, और हो भी क्यों ना, भारत का वास्तविक गौरव इन्हीं तीर्थों के कारण है। आइए आप सभी को दीपोत्सव के अयोध्या की कुछ झलक दिखाता हूँ, जिससे आप भी यहाँ की भव्यता और सुंदरता को और अच्छे से जान सकें। अब मार्ग में ही श्री राम जी के गानों पर भक्तों को झूमते देखा तो हमसे भी रहा न गया, और फिर सबके साथ गानों पर झूमने के बाद हम आ गए अयोध्या रेलवे स्टेशन, जहां पर हमारी भेंट हुई नीतीश तिवारी जी से, जिनका एक प्रसिद्ध YouTube चैनल वैरागी नाम से है। हमने भी इनकी ढेर सारी वीडियोस देख रखी थी, तो जब इनसे बात हुई तो वीडियो बनाने का अवसर ही ना मिला। और अब हम आ गए हैं एक बार फिर से राम जन्मभूमि के प्रवेश द्वार पर। सोचा था आप सभी को अंदर के दृश्य दिखाऊं, लेकिन सुरक्षा कारणों से यहां पर फ़ोटो और वीडियोग्राफी करना सख्त मना है। लेकिन प्रतीक्षा करिए, जन्मभूमि से आपको आकाश की आतिशबाजियों का एक सुंदर नज़ारा अवश्य दिखाएंगे। तो अभी हम लोगों ने दीपोत्सव देखा, दीपोत्सव देखने के बाद हम लोग गए सीधे अयोध्या स्टेशन। वहाँ पर होटल की अवेलेबिलिटी थोड़ा ज़्यादा है, तो वहाँ पर कुछ खाने पीने के लिए गए, और सौभाग्य से मतलब ऐसा था कि हम लोग स्टेशन के अंदर गए, और स्टेशन के अंदर जाते ही मतलब हमें यकीन भी नहीं हुआ कि हम लोगों के सामने वैरागी थे। मतलब आपने उनका चैनल देखा होगा, वैरागी नाम से है, और उन्होंने कितनी सारी मतलब तीर्थ यात्राएं करी हैं, गिरनार पर्वत और पंच केदार, मतलब बहुत सारी है। आप उनका चैनल चेकआउट कर लें, और मैं आपको उनकी फ़ोटोज़ यहाँ पर शेयर कर दूँगा। देखिए कितनी अच्छी मुलाकात यहाँ पर हुई थी हमसे, बढ़िया लगा मिलके। और ये कैसा लगा? ये भी इनका फैन है, मजा आ गया। ये भी इनका फैन है, कितना बढ़िया। नेक्स्ट ट्रिप कहीं और जा रहे हैं ना? नेक्स्ट ट्रिप वहाँ पे वो लोग जा रहे हैं, वो देव दीपावली 27 नवंबर को काशी में। काशी
काशी में वैसे भी वो शायद एक दो बार जा चुके हैं, उन्होंने वीडियो भी अपनी बनाई है। तो अभी हम लोग फिर से आ गए हैं राम जन्मभूमि भी, क्योंकि रात का समय है और रात के समय के कारण जो है थोड़ा हो सकता है कि यहाँ पे सन्नाटा मिल जाए, तो बस इसी को देखने के लिए हम लोग वापस से आए हैं। देखिए अंदर क्या जो भी होगा दिखाते हैं आपको। तो भाइयों अब हम वापस आ गए हैं अयोध्या से लखनऊ। आपको अयोध्या दीपोत्सव की यह यात्रा अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में जय श्री राम लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलता हूँ किसी और यात्रा के साथ, तब तक सबको जय श्री राम, हर हर महादेव।